दोस्तों, आप सभी ने साउथ इंडस्ट्री में कई हैंडसम और डैशिंग अभिनेता देखे होंगे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से तो इंडस्ट्री में काफी तरक्की हासिल की है, मगर इन्होंने अपने केयरिंग, इनोसेंस और लविंग नेचर से भी काफी ज्यादा वाहवाही लूटी। यही वजह है कि दर्शक इन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जहां कई अभिनेता अपने अच्छे बर्ताव के लिए जाने जाते हैं, वहीं साउथ इंडस्ट्री में ऐसे भी कई अभिनेता हैं जो कि अपने बैड हैबिट्स के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे जो कि साउथ इंडस्ट्री में अपनी बुरी आदतों की वजह से जाने जाते हैं। इसलिए अगर आप भी इन अभिनेताओं से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए एक एक करके रूबरू होते हैं इन अभिनेताओं से। नंबर वन, राम पोथिनेनी। साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी एक बेहद उम्दा एक्टर हैं, जिन्हें लाखों दर्शक बहुत पसंद करते हैं। इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनकी बैड हैबिट की, तो लोगों को इनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। यही इनकी बैड हैबिट है। नंबर टू, प्रभास। बाहुबली फिल्म स्टार प्रभास को कौन नहीं जानता। ये एक बेहद टैलेंटेड अभिनेता है, जिन्हें दर्शक काफी पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके बैड हैबिट की, तो इनमें वैसे तो कोई बैड हैबिट नहीं, मगर इन्हें लोगों का अच्छा करके शो ऑफ करना अच्छा लगता है। नंबर थ्री, थाला अजीत। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थाला अजीत को हर कोई जानता है। ये सिर्फ तमिल सिनेमा में नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा जगत में भी काफी मशहूर हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनकी बैड हैबिट की, तो इन्हें बियर्ड रखने का काफी ज्यादा शौक है, जिसकी वजह से ये महीनों तक अपनी बियर्ड नहीं कटवाते, चाहे कोई भी रीजन हो। नंबर फोर, रजनीकांत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत भी बैड हैबिट रखते हैं। इन्हें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की बड़ी बुरी लत है, जिससे इनकी फैमिली वाले भी परेशान रहते हैं। नंबर फाइव, सूर्या। साउथ इंडस्ट्री के हैंडसम अभिनेता सूर्या, जो कि अपने सिंपल अंदाज में काफी हैंडसम दिखते हैं, इन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन अगर बात करें इनके बैड हैबिट की, तो इन्हें एक दिन में कई बार कॉस्ट्यूम चेंज करने की आदत है, जिससे कि इनके फिल्म में काम करने वाले कॉस्ट्यूम डिजाइनर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। नंबर सिक्स, धनुष। धनुष साउथ इंडस्ट्री के बेहद टैलेंटेड अभिनेता है, मगर अगर बात करें इनके बैड हैबिट की, तो ये वेगन यानी कि इन्हें सिर्फ फल और सब्जियां पसंद है। ना तो ये मांस मछली खाते हैं और ना ही डेयरी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इनकी वाइफ बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि इन्हें इनके लिए अलग से खाना बनवाना पड़ता है। नंबर सेवन, जोसेफ विजय। साउथ के सुपरस्टार जोसेफ विजय, जो कि अपने स्टेज नेम थलापति विजय के नाम से साउथ इंडस्ट्री में फेमस है। बात करें इनके बैड हैबिट की, तो इन्हें नेल बाइट करने की बहुत गंदी आदत है। जब देखो तब ये अपने नेल्स को बाइट करते दिखते हैं। नंबर एट, महेश बाबू। मोस्ट हैंडसम अभिनेता महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के जाने माने नाम है, लेकिन इन्हें स्मोक करने की बुरी आदत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में एक पैकेट सिगरेट यूं ही पी जाते हैं, जिनकी इस आदत से लोग बहुत परेशान हैं। नंबर नाइन, अल्लू अर्जुन। साउथ इंडस्ट्री के बेहद पॉपुलर स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत पॉपुलर नाम है, जिन्हें हर कोई पहचानता है। लेकिन इनकी एक बुरी आदत यह है कि इन्हें स्नीकर्स कलेक्शन का बहुत शौक है, जिसके चलते ये हर जगह जहाँ भी इन्हें अच्छे स्नीकर्स दिखते हैं, ये वहाँ से ले लेते हैं। नंबर टेन, विजय देवराकोंडा। साउथ इंडस्ट्री के न्यू स्टार विजय देवराकोंडा, जिन्होंने बेहद कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की की है, एक मल्टी टैलेंटेड तो है ही, साथ ही इनकी एक बुरी आदत है, और वो है स्मोक करना। इन्हें स्मोक करने की बड़ी गंदी आदत है। तो दोस्तों, आपको इन साउथ स्टार के बारे में और इनकी बुरी आदतों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।